Hello kids, this is Jyoti, your English teacher from Shastadnamji Girls School. Today we are going to do a new topic, that is pronoun. Pronoun hum aaj padhne ja rahe hain. Isse pehle humne noun kya tha? Noun is a name of place, city, person or whatever. Kisi bhi cheez ka jo naam hai, to usko hum noun bolte hain. A pronoun. Pronoun kya hai? Is a word used in place of noun. प्रोनाउन क्या है? जो ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है, किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारे इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे हमने बोला, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, जया मेट अ स्ट्रेंज मैन ऑन द वे टू जया स्कूल. द स्ट्रेंज मैन आस्क्ड जया वेयर जया लिव्ड. तो यहाँ पे क्या है, बार बार जया का जो नाम है वो रिपीट हो रहा है. बार बार जया का नाम रिपीट हो रहा है, तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जया मेट अ स्ट्रेंज मैन ऑन द वे टू हर स्कूल. वो अपने स्कूल में जब जा रही थी तो रास्ते में उसको एक स्ट्रेंज पर्सन मिला. द स्ट्रेंज मैन आस्क्ड हर. स्ट्रेंज मैन ने उससे पूछा वेयर शी लिव्ड, कि वो कहाँ रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जया को रिप्लेस कर दिया हर से, जया को रिप्लेस कर दिया शी से. ठीक है, तो ये क्या है, जो हम रिप्लेस करते हैं किसी नाउन को किसी वर्ड से, जिस वर्ड से हम रिप्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन. ठीक है, तो अब हम आगे कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन आगे कितने तरह के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो लेट अस रीड देम वन बाय वन. क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? क्या होते हैं? जो कि तीन चीजों के बारे में, तीन पर्सन के बारे में बताते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, माइन, वी, आर, मतलब जिस भी, जिसके बारे में, लाइक मेरे बारे में बता रहे. तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन. मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? आई यूज करूंगी, मी यूज करूंगी, मैन, माइन यूज करूंगी, या फिर वी यूज करूंगी. तो ये जो फर्स्ट पर्सन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड पर्सन के लिए लाइक यू, योर्स, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, ये सारे, ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, जैसे आ गया आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूँ. वी हैव सॉल्व द सम, हमने सम सॉल्व कर दिया. यू हैव डन दिस मिसचीफ, तुमने ये गलती की है, या तुमने ये नौटंकी की है. तो ये सारे क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन. ये हो गए सब्जेक्ट की जगह पर जब पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं, तो ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकते हैं, जैसे लेट मी रीड दिस चैप्टर, मुझे ये चैप्टर पढ़ने दो. आई मेट हिम इन द पार्क, मैं उसे पार्क में मिला. द मैन चीटेड यू, मैन ने आपको चीटिंग कर लिया. तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुए. जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुए तो वो आगे आएंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुए तो वो पीछे वाली साइड आएंगे, बैक, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज होंगे. लेकिन है ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, फिर आप क्या आ गया? पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव मतलब पोजेशन, मतलब ये चीज किसकी है, मतलब ये मेरी है, ये बॉटल मेरी है. दिस बॉटल इज माइन. तो माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. This mobile is yours. तो yours क्या है? Possessive pronoun है कि ये phone जो है वो तुम्हारा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Possessive pronoun. फिर आगे हमारा आया relative pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होते हैं? जैसे pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themselves, ये सारे क्या है? Reflexive pronoun है. They are used when the action reflects back to the subject. Like I hurt myself, मैंने अपने आप को चोट लगा दी, मैं अपने आप को ये कर बैठा. The prisoner hanged himself, जो prisoner था उसने अपने आप को फांसी लगा ली. तो मतलब इसमें क्या है? Reflection back to the subject आ रही है. Reflection क्या है? Back किस पे आ रही है? Subject पे आ रही है. तो वो क्या होते हैं हमारे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लाइक वी ऑफन डिसीव आवरसेल्फ, कि हम बहुत बार अपने आप को धोखा देते हैं. तो ये रिफ्लेक्शन वापस किस पे आ रही है? वी पे आ रही है ना. तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो
तो इनके बेसिस पर आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ए ए बी एंड सी, थ्री एक्सरसाइज देते हैं ना इसमें, ए बी एंड सी, ये एक्सरसाइज आपने इसके बेसिस पे करनी है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मोहित इज एज टॉल एज मी, मोहित मेरे जितना मैं टॉल हूँ उतना ही टॉल है मोहित भी। डैश इज सेड दैट मनी बिगेट्स मनी, इट इज सेड दैट मनी बिगेट्स मनी, एवरीबडी बट डैश वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरीबडी बट ही आएगा, ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। रिया इज ऑल्डर देन हिम, थर्टींथ, रिया इज ऑल्डर देन हिम, रिया उससे बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। फिर आगे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है, लेट मी सी, आगे वाली एक्सरसाइज में क्या है, लाइक यू शुड नो द ड्यूटीज ऑफ योर्स और हर्स, तुम्हें अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए या उसकी ड्यूटी पता होनी चाहिए, अपनी, तो यहाँ पे आएगा yours. You should know the duty of yours. Prateek says that the laptop is his or hers. Prateek, boy hai ya girl hai? Boy hai? Man, boy. Prateek says that the laptop is his. Kim is aayega? Hai. His aayega, theek hai? I gave him my address and he gave me his. Yahan pe bhi he hai to his aayega. Agar yahan pe she hota to yahan pe hers aata hai. She ke saath her aur he ke saath ठीक है। ऐसे जो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है यहाँ पे, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ, वो अपने को कपड़े जो है वो खुद धोता है। द लेडी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, जो लेडी है वो अपने आप को मिरर में देख रही है। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, अपने आप की हेल्प करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये तीनों एक्सरसाइज करनी है। तो आपका होमवर्क ये है, थ्री एक्सरसाइजेस ऑफ दिस प्रोनाउन चैप्टर।